Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं COVID-19 के केस से। 1062 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 578 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 13,592। 12 डेथ्स शामिल हैं आज की इस बुलेटिन में। आज की पॉजिटिव खबर हम ये ला रहे हैं कि 34,000 COVID-19 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो चुके हैं। जी हाँ, ये सिंगल डे अक्रॉस कर्नाटका में काफ़ी बड़ा नंबर आ चुका है, जहाँ पर लोगों की रिकवरी इस तरह से दिखाई जा रही है। इससे पहले 29 अप्रैल को भी 35,000 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 34,000 लोग आज डिस्चार्ज हुए हैं। याद रखें, COVID-19 एक ऐसी बीमारी है, अगर आप इसका वक्त पर इलाज लेते हैं तो उसका कोई आपको जो है इशू नहीं होगा, और आप अपना एहतियात करेंगे तो आप काफ़ी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर सुधाकर, हेल्थ मिनिस्टर कर्नाटका ने बताया कि 400 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 1300 पल्स ऑक्सीमीटर्स एलोकेट किए गए हैं कर्नाटका को। 2200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 10,000 ऑक्सीमीटर्स के साथ साथ जो कि यूएसए से इंडिया को आ रहा है। जी हाँ, यूएसए से इंडिया को एक बड़ी मदद मिल रही है, जहाँ पर कर्नाटका को इतने सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और पल्स ऑक्सीमीटर एलोकेट किए गए हैं। सीनियर जीडीएस लीडर नासिर हुसैन उस्ताद ने आज अपनी रिपोर्ट बताई कि वो COVID-19 पॉजिटिव हैं और उन्होंने दुआ की दरख्वास्त भी रखी है। साथ साथ काफ़ी एक्टिवली वो ग्राउंड पर हैं और सोशल वर्क्स में वो काफ़ी आगे हैं, और जिसकी वजह से वो COVID-19 की चपेट में आ गए हैं। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, और हम सब दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी स्पीडी रिकवरी हो जाए। हर साल की तरह इस साल भी इलिया सेठ ने अपने रेशन डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं रोका। जी हाँ, रमज़ान के अंदर रिलीफ किट्स के तौर पर इलिया सेठ ने ये रेशन किट्स बांटे। जी हाँ, एमएलए नॉर्थ कैंडिडेट AIMIM के इलिया सेठ ने हाल ही में ये काम शुरू किया और कई सारे एरियाज़ के अंदर अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एरियाज़ के अंदर शामिल है MSK मिल, ताजनगर, मुस्लिम संघ, महबूब नगर, इस्लामाबाद कॉलोनी, बुलंद प्रवास, इतिहाद कॉलोनी, अमन नगर, फिरोज नगर, सात गुम्बद, चुन्ना भट्टी, और ऐसे कई सारे एरियाज़ के अंदर इन्होंने अपने फ्रेशन किट डिस्ट्रीब्यूट किया, और कई सारे एरियाज़ को अपने अगले फेजेस में किया जाएगा। इलिया सेठ की खुद फैमिली जो है COVID-19 से जूझ रही है, लेकिन उन्होंने इस काम को नहीं रोका और वो कंटिन्यूसली लोगों के हित में है और लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। रही मर्ची का बड़ा बयान आते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इस सिचुएशन पर हैंडल नहीं कर रहे हैं, और कहा कि COVID-19 की सिचुएशन के अंदर सभी लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए और आगे बढ़कर काम करना चाहिए। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही मिर्ची डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट AIM गुलबर्गा ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जैसा कि कल लॉकडाउन नए तरीके से चालू है, मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इसका पालन करें और मास्क लगा के पैदल आएँ बाहर। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये आपकी जो बाइक है, वो बाइक अगर पकड़ी गई तो ख़तरा ही नहीं मिलने वाली है और आपके ऊपर भी केस होने वाला है। और रही बात यहाँ के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, वो आज की डेट में लोकल में है नहीं, लोकल से भाग गए हुए हैं। हम इस वक्त ना सियासत करने वाले हैं ना सियासत के बारे में बोलने वाला, सिर्फ बोलने वाले हैं ये कि आप वादा कर गए थे 400 बेड होगा, 400 बेड हम अरेंज करे हैं, 400 बेड के चार लोग नहीं दिख रहे हैं वहाँ, तो मैं समझता हूँ कि झूठे वादे लोगों को आवाम को गुमराह मत करिए। इसीलिए आवाम जानती है आप गुमराह कर रहे हैं, यहाँ के शहर के ताजिर, यहाँ के पैसे वाले भी गुमराह कर रहे हैं आवाम को। मैं समझता हूँ कि उनके पास इतनी दौलत है, आज हज़ारों सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर हज़ारों वो कुर्बान कर सकते हैं अपनी आवाम के ऊपर, वो भी नहीं कर सक रहे हैं वो लोग। एक आपको मौला मालूम होना चाहिए, खाली वो जो परसेंटेज लेते हैं वो परसेंटेज में कई हज़ार सिलेंडर आते थे ऑक्सीजन, वो भी नहीं कर पाए। तो मैं आज लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ, आज वक्त देख लीजिए इनका, जिस तरीके से जीता है, और आने वाले दिनों में इसी तरीके से उनको पटकी डालिए। कोई ऐसे आवाम ऐसे लोगों को, आपके लोगों, आप लोगों में से ऐसे लोगों को जिताइए जो आपके साथ 24 घंटे ठहरे हुए रहे। सफा बैतुल माल हमेशा सोशल वर्क में आगे रहता है, और इस बार भी वो कंटिन्यूसली जिम्स हॉस्पिटल के बाहर जो अटेंडर्स होते हैं COVID-19 पेशेंट्स के, उन्हें कंटिन्यूसली खाना और पानी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा वो कंटिन्यूसली करते रहेंगे एक साल तक। एक बहुत बड़ा स्टेप सफा बैतुल माल ने लिया है और इस तरह से वो काम करते आ रहे हैं।
उम्मीद करते हैं कि कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं वो इस तरह से काम करते रहें और हम सब कोविड 19 की चप्पड़ से बाहर निकलें और कोविड 19 को हम हरा दें। आज सुबह यानी कि आप जब बुलेटिन देख रहे होंगे तब सुबह 6 बजे से एंटायर कर्नाटका स्टेट लॉकडाउन में आ जाएगा। जी हाँ, लॉकडाउन जी, जब पिछली बार का जो लॉकडाउन था उसे पार्शियल लॉकडाउन कहा जा रहा है या एक जनता कर्फ्यू की शक्ल में देखा गया था, इस बार का लॉकडाउन काफ़ी सीरियस होगा इस तरह की खबर आ रही है और पुलिस डिपार्टमेंट भी काफ़ी इसमें एक्टिव रहेगा और गैर जरूरी जो लोग बाहर घूमते रहेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। याद रखिए सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए बाहर आ सकते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल अपने घर में रहना होगा। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कोई चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय केवीएन यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।